चाची सीमा इधर को देख रही है, तो सीमा इधर को देख रही है। मन चूल्हे पे देख सकते हैं आलू टमाटर की सब्जी। हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। हमारी तरफ से हमारे एक और ब्लॉग में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो दोस्तों आप समझ जाओ आज इतना ताम झाम इतनी दोपहर को क्यों कर रहे हैं, ये शाम हो गई है। हाँ शाम ही हो गई, अब तो 5 बज गया शायद, 4-5। और इन्होंने सारा ताम झाम फैला रखा है, देखिए गाइस। और क्यों फैला रखा है बताइए कमेंट करके, क्यों फैला रखा है। और आज हमारे घर में है प्रोग्राम, क्योंकि हमारे भैंस की खिरंडी चढ़ा रहे हैं। तो इधर बन रही है आलू की सब्जी, इधर बन गई जीजी की खीर। ये देखो गाइस खीर बन के तैयार हो गई है, ये बना रही खीर। बनती रहेगी। बच्चे कहाँ हैं दोस्तों, कहाँ खेल रहे हैं, बेर खा रहे हैं। देखो तो भाई यहाँ पे देखो दोनों चाची नहा के आई हैं अभी। तो मैं कह रही हूँ चाची नहीं रुक जाओ, आप तो माल मन रहे है, बनवा खाओ आराम। रुकी ना रही, मैं इधर देख रही है, यम घुस रही है, बंदर घुस गई है ना, ये रोटी खा रही। तो चाची सीमा इधर को देख रही है, तो सीमा इधर को देख रही है मंजू, क्योंकि खमिला सीमा इधर। आप पाकिस्तान चल जाओ तो आपने भी आरो देख पाऊंगी ना। और तो और ये जो छोटी छोरी बैठी है ना परात करनी चाहिए, हमारी यहाँ चाची की है। चाची मेरी है, वो मेरी है। रे काली उल्या जा कर लो, ये मेरे कर लो है। तो भाई चाची जी जा चुके हैं ना के, तो देख सकते हैं बच चुके हैं सही 5। वीडियो डाल दी चाची, पता ना हो इतना डाली होगी। अच्छा तो चाची ने एक बार बथुआ तोड़वा खे रही थी, पर थोड़ा सा बथुआ आया तो उसको कलम तोड़ के तोड़े ही सब्जी बनाएंगे थे, इसलिए तो हम कर रहे हैं इस टाइम खाना की तैयारी, क्योंकि अब बनाऊंगी सब्जी। और जीजी की बन गई है खीर, उठाऊं जी जाकू बन गई, तो देख ची मैं तो बनाऊंगा नहीं। तो मैं चूल्हे पे सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज हम भैंस की चढ़ा रहे हैं खिरंडी, तो इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं भाई सभी काम। और आरव इधर खेल रहा है मिट्टी में, देखो। तो चलो कर बाय बाय कर रही है कलम से। और हमारी जीजी की बाय ली है, तो इसलिए बाय करके जाते हैं। बिट्टू पापा जी ना रहे हैं। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ चूल्हे पे देख सकते हैं आलू टमाटर की सब्जी। तो भाई किस किस को भाई को खाना है पूरी सब्जी खीर, तो आ जाना हमारे घर पे शाम तक आ जाना। अभी तो जो और पास को भाई है, प्याज से डाल दी मैंने। तो चूल्हे की सब्जी में कुछ अलग ही स्वाद रहता है, ये देखो भाई ये मसाला तैयार हो गया हमारा। जल्दी लो तो गाइस देखो यहाँ पे पूड़ी पुए सब चीज बन चुके हैं, खीर बन रही है और कविता बना रही है। पूड़ी जीजी कविता बेल रही है, जीजी उतार रही है, और बिट्टू क्यों बैठी है वहाँ पे कुछ नहीं कर रही, वैसे ही बैठी है। और मैं जा रहा हूँ अभी प्रसाद चढ़ाने के लिए, ये देखिए गाइस देसी घी की पूरी, और उसमें क्या है सब्जी, उसमें है गाइस सब्जी। तो ठीक है गाइस अभी मैं जा रहा हूँ प्रसाद चढ़ाने, तब तक ये बना लेती हैं और पूड़ियाँ हैं। तो गाइस देखो हमारी पूड़ी बन चुकी है, मैं प्रसाद चढ़ा के भी आ चुका हूँ, रोटी तैयार है खाने के लिए अभी, लेकिन अभी बना रहे हैं। अभी खाने वाले लोग आए नहीं, कब की बोल रखी है अभी आई नहीं है काकी वाकी। इधर देखिए ये बना दी, इधर ये लगी पड़ी है, ये देखो गाइस। तो भाई हमारी काकी जी आई है खाने के लिए, और इसने दो इडली खाई है, इधर माई खा रही है और इधर खा के खड़ी है। चलो और घर वालों को लेके जा रही है माई, क्योंकि रात हो जाती है ना, तो इसलिए तो काकी को डालती हूँ मैं इसमें खीरे। बीतू है बीतू कुल्लू, तो इधर खा रहे बीतू पापा जी खाना, देख सकते हैं। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खीर बनाई है, सब्जी बनाई है, हुए है, सब कुछ है, और आपका भी वेलकम है सभी का खाने के लिए दोस्तों, और तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे हम लोग। आ जाइए
तो भाई काकी आई थी खाने के लिए, हमारे काकी रहती है, हम भी उनके जाते हैं खाने के लिए, तो खा के चले गई हैं, और मतलब आधे घर वाले आते हैं और आधे इनके लिए मापी खाना ले जाते हैं, तो काकी खा पी के चले गई हैं, तो पापा जी ने भी खा लिया, तो बिट्टू पापा जी खा रहे हैं, तो अब मैं और जीजी खाएंगे सबसे लास्ट में। और इधर को देखो क्या पूड़ी है, उसमें सब्जी है और खीर नीचे रखी है। तो दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, ऐसे कहेंगे जब मतलब रात को नाम लेते हैं भाई, हमको मतलब पता नहीं था पहले, वो तो एकदम मेरे प्लान बन गया, तो इसलिए हमने फिर अंडी छड़ा ली है मैस की। तब खा लेते हैं हम भी, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन साफ करेंगे, क्योंकि पक्की बार बर्तन नहीं खुआए क्योंकि पत्तल नहीं थे हमारे, तो इसलिए तो चलो खा लेते हैं हम भी भाई, सुबह आधी रोटी खाई है बाजरा की, भूख लग रही है, तो इसलिए आधी तो मैं इसलिए कमज़ोर रहती हूँ क्योंकि टाइम पे खाना नहीं खाती हूँ, तो इसलिए तो खा लेते हैं। बज चुके हैं 9:30 बजने वाले हैं, तो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी सो नहीं, आरव सो गए जीजी के पास आज, पता नहीं कैसे सो गया, और बिट्टू अभी हमारे अभी तक सोई नहीं है, तो देखो उसके पापा जी और बिट्टू सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है काम से फ्री हो गए हैं तो अब सो जाते हैं, क्योंकि रात हो गई है और वैसे भी हम थक रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता ही है आपके लिए हमने कॉमेडी वीडियो बनाई है बहुत मेहनती से, तो मतलब 3-4 दिन बाद में आएंगी, तो देखना कॉमेडी वीडियो भाई बाद में, तो 3-4 बनाई थी तो थक गए अब, तो चलो सो जाते हैं, फिर सुबह भी मतलब सुबह जल्दी उठते हैं, काम आम रहता है थोड़ा, तो इसलिए तो ठीक है दोस्तों, सबको बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जब भी गाँव आते हैं ना तो जब भी हमारा गला बैठे बैठे सो जाता है, पता नहीं वैसे ही थक जाते हैं वीडियो के चक्कर में, ठीक है सबको बाय बाय।